मुसीबत में फंसे केजरीवाल को एक और बड़ा झटका। मंत्री राजकुमार आनंद ने अपने पद से दिया इस्तीफा। आपको बता दें, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजकुमार आनंद ने मंत्री पद से और पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बता दें, राजकुमार आनंद अरविंद केजरीवाल सरकार में समाज कल्याण मंत्रालय संभाल रहे थे। राजकुमार आनंद आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने के बाद कहा कि आम आदमी पार्टी में दलित विधायकों या पार्षदों का कोई सम्मान नहीं होता है, दलितों को प्रमुख पदों पर जगह नहीं दी जाती है। मैं बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांत पर चलने वाला व्यक्ति हूं। अगर दलितों के लिए ही काम नहीं कर पाया तो फिर पार्टी में रहने का कोई मतलब नहीं। आइए दिखाते हैं राजकुमार आनंद ने अपने इस्तीफे पर सफाई देते हुए क्या कुछ कहा है। तेज बोलिएगा थोड़ा सा। सर लाउड बोलिए। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं राजकुमार आनंद, मैं दिल्ली सरकार में मंत्री हूँ। मेरे पास 7 पोर्टफोलियो है, लेकिन आज मैं बहुत व्यथित हूँ, इसलिए आप लोगों को मैं अपना दुख साझा करने आया हूँ। मैं राजनीति में जब आया था, जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा, लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति तो नहीं बदली, लेकिन राजनेता बदल गए। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता। मैं नहीं समझता कि हमारे पास शासन करने की कोई नैतिक ताकत बची है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पे बैक टू सोसाइटी का जीवन मंत्र दिया था, उसी के वजह से मैं एक व्यापारी होते हुए भी एनजीओज में आया, एमएलए बना, जनप्रतिनिधि बना, मंत्री बना के लोगों की सेवा हो। लोग और मैं यहाँ आया ताकि पे बैक टू सोसाइटी को सच्चे अर्थों में साकार कर सकूं। इसी उद्देश्य से मैं आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ा हुआ, जो बाबा साहेब के आदर्शों पर चलने की बात करते हैं। बाबा साहेब का फोटो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर सरकारी दफ्तर पर लगाते हैं, लेकिन जब बाबा साहेब के बातों की बात आती है, देखिए रिजर्वेशन तो संवैधानिक मजबूरी है, लेकिन जब बात रिप्रेजेंटेशन की आती है, जब हम ऐसी जगहों पर अपने आदमी भेजने की बात करते हैं, दलित समाज अपने आदमियों को ऐसी जगह भेजने की बात करता है, जैसे हमारे यहाँ 13 राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, उनमें से एक भी दलित या पिछड़ा या महिला कोई भी नहीं। तो ये जब रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो ये पार्टी अपना पीछे हो जाती है। जैसे पिछले दिनों विधानसभा ने बहुत सारे फेलोज की भर्ती की, जिसमें लाखों रुपया सैलरी थी, हजारों नहीं लाखों रुपया सैलरी थी, 2-2 लाख रुपया सैलरी थी, और उसमें दलितों को कोई भी जगह नहीं दी गई, दलितों को बिल्कुल नहीं लिया गया। तो मैं SC ST का भी मंत्री हूँ, समाज कल्याण मंत्री भी हूँ, अगर ये मेरे होते हुए ये सब काम ना हो तो मुझे नहीं लगता वो शासन करेगी। सिंपल सी बात है। ये हमारे साथ राजकुमार आनंद सर, आज आपने इस्तीफा दिया है, क्या कारण? देखिए, कारण ये है कि मैं राजनीति में मंत्री बना, जो भी बना, आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से बना, और पे बैक टू सोसाइटी करने के लिए बना। दलितों की जब रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो जो पार्टी अगर उससे पीछे हटती है तो मुझे फिर वहाँ रहने का कोई औचित्य समझ नहीं आता, इसलिए मैं हट गया। क्या किसी पार्टी में आप जाएंगे? नहीं, मैं कहीं नहीं। थैंक यू।